अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मौलवी मामी शाजिया नास। आज हम जमात पंजुम के स्टडी पैक में जो आपको काम दिया गया कि मंदरजा ज़ैल मुतशाबे अल्फाज के मायने लिखें, तो पहले मैं आपको बता दूं कि मुतशाबे अल्फाज कहते किसे हैं। बेटा, मुतशाबे अल्फाज से मुराद वो अल्फाज हैं जो इमला और मायने के लिहाज से मुख्तलिफ हों मगर हम आवाज़ हों। जैसे जब अपने स्टडी पैक में आप देखोगे तो सवाल लिखा हुआ है कि मंदरजा ज़ैल मुतशाबे अल्फाज के मायने लिखें, तो नंबर वन पे है सदा, जिसके मायने हैं अल्फाज, और उसके आगे जो लफ्ज़ है वो सदा, उसके मायने हैं हमेशा। आपने देखा ना कि दोनों अल्फाज इमला और मायने के लिहाज से मुख्तलिफ हैं मगर जब हम उसको बोलते हैं तो वो हम आवाज़ लगते हैं। नंबर दो पे आम, फल, उसके आगे लफ्ज़ लिखा हुआ है आम यानी ख़ास की ज़िद। नंबर तीन पे एतराज़ यानी नुक्स निकालना, उसके आगे है एतराज़ यानी बचना, कतराना, ठीक है। नंबर चार पे है ताक यानी निशाना, और इसके आगे लफ्ज़ ताक यानी मेहराब। नंबर पाँच पे है शक यानी शुबा, और नंबर पाँच पे है शक यानी फटना। नंबर छः पे है असर यानी ज़माना, उसके आगे लिखा हुआ है असर यानी नतीजा, निशान। आप देख रहे हैं कि ये सारे अल्फाज इमला और मायने के लिहाज से मुख्तलिफ हैं मगर पढ़ने में हम आवाज़ लग रहे हैं, जब हम बोलते हैं तो हम आवाज़ लग रहे हैं। नंबर सात पे है अलम यानी झंडा, और नंबर सात पे है अलम यानी रंज और गम। नंबर आठ पे है अर्ज़ यानी गुजारिश, दरख्वास्त। नंबर आठ पे है अर्ज़ यानी ज़मीन। नंबर नौ पे है मामूर यानी मुकर्रर। नंबर नौ पे ही मामूर यानी आबाद, बरावा। नंबर दस पे है मुकर्रर यानी मुयन, और नंबर दस पे है मुकर्रर यानी दोबारा। उम्मीद है अब आपको मुतशाबे अल्फाज अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे और उनके मायने से भी आप शनास हो गए होंगे। अगर काम में कोई मसला हो तो आप अपनी टीचर से राबता कीजिएगा। शुक्रिया।